हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू फ्लडिंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है सुबह 8 बजे, जहां पे हम लोग इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं। जितने भी न्यूज़पेपर में से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो सारी है जो कि हम लोग कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सुबह के 8 बज चुके हैं और एज यूजुअल कई सारे न्यूज़पेपर है जो कि हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज है 30th December, न्यू ईयर है जो कि अभी आने वाला है और उम्मीद करता हूँ कि 2021 आपका कैसा भी गया हो, 2022 के जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा और आप लोग सब लोग अपने अपने जो एम है आपके लाइफ में वो ज़रूर अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम है, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सेशन रेगुलर देखना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन कल है नहीं, हमने कवर करे नहीं थे, कोड ऑफ द डे देखेंगे। ये सारे के सारे न्यूज़पेपर, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, एक फन फैक्ट, डेली के 5 वोकैबुलरी और आज के क्विज, ये सारे हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी प्लस के ले सकते हैं। इंडिया के 40+ जो भी एग्जाम है इंडिया में, उन सब के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो सब यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आपको BHU 10 या BHU 10 रेफरल कोड काम में लेके 10% ऑफ और जो भी आपके लेटेस्ट ऑफर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप इसको UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC और भी 40+ एग्जाम में काम में ले सकते हैं। आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है, मोबाइल नंबर डालना होता है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना होता है। जो भी आपका गोल है, SSC है, UPSC है, कोई CDS है, कोई बैंक है, उसके बाद प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मंथ और यहाँ पे BHU 10 है जो कि आपको लगाना है, ठीक है। स्पेशल क्लास की बात करें तो 11 बजे स्पेशल क्लास है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे 5th January से स्टैटिक GK का प्लस कोर्स है जो कि आने वाला है दोस्तों, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। SSC कैटेगरी में मैं आपको GS पढ़ा रहा हूँ, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरे अलावा आपको शिप्रा मैम का कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, साहिल सर का, दीपक सर का, तो सबके क्लासेस आपको मिल जाएंगे SSC के अंदर, ओके। और अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो एक बच्चे के एजुकेशन में जरूर स्पॉन्सर करिएगा, एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के थ्रू, और किसी को रेफर भी जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं और आज की कोड ऑफ द डे को लेकर, द लोड ऑन योर शोल्डर टुडे विल बी द ग्राउंड दैट यू विल वॉक ऑन टुमारो। एक बहुत अच्छी बात है जो कि यहाँ पे बोली गई कि जो बर्डन, जो आप लोड आज अपने शोल्डर में लेके चल रहे हो ना, यकीन मानिए यही बर्डन जो है आने वाले टाइम पे आपका ग्राउंड बनेगा और उसके ऊपर है जो कि आप राइज होंगे। अभी आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगी जिसके अंदर आपके आप बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे लेकिन क्या करें, मतलब बंधे हुए हैं, प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम क्रैक होगा उसके बाद कुछ कर सकते हैं, अभी घर वालों को भी नहीं बोल सकते, बाहर वालों को भी नहीं बोल सकते, है ना, पैसे नहीं है, बाहर जा नहीं सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे लोड है जो कि आपके ऊपर होता है। लेकिन यकीन मानिए आज जो आप ये लोड लेके बैठे हो ना, यही कल आपका ग्राउंड बनेगा और आप बहुत ऊपर है जो कि जाएंगे। बस अपना दिन अच्छी तरीके से व्यतीत करें, लोगों के लिए अच्छा करें और साथ में अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें, अपने मेजर काम को अपना मॉर्निंग का टाइम है या फिर नाइट का जो टाइम है, जब दुनिया सो रही होती है ना, वो दो ही टाइम होते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट, है ना, उस टाइम को जो है वो यूटिलाइज करें, शांति से बैठे पढ़ाई करें, यही वक्त है जो कि आने वाले टाइम पे आपका ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि बनेगा, है ना। चलो आगे बात करते हैं, तो देखते हैं आज के दहेंदू की तरफ वापस से दोस्तों। कोरोना के कोविड के केसेस की न्यूज जो है वो काफी बढ़ गई है आज के न्यूज़पेपर में, जितने भी अखबार में मैं अगर बात करूँ ना तो 20-30% न्यूज जो है वो यही चल रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे FCRA की रिन्यूअल करने वाले की जो डेडलाइन है उसको 31 दिसंबर है जो कि सेंटर के द्वारा एक्सटेंड है जो कि कर दी गई है, है ना, NGOs के द्वारा। देश में कोई 22,000 के आसपास NGO है जो कि FCRA के तहत रजिस्टर्ड थे, अभी 3-4,000 का ही रेवेन्यू है जो कि सरकार ने किया है। इसके अलावा यहाँ पे कोविड की केसेस के बारे में बताया गया है दोस्तों, वापस से केसेस बढ़ने लग गए हैं और पिछले वीक से इस वीक के अंदर 77% राइज है जो कि देखने को मिला है। कर्नाटक, केरला और महाराष्ट्र एज यूजल सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो अच्छी बात बस एक ही है इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग की, जो इलनेस है ना, जो सेविलिटी है वो बहुत ही लो है, है ना, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, होपफुली ध्यान रखिएगा आप भी। यहाँ पे दोस्तों दिल्ली मेट्रो के बारे में बताया गया, यहाँ पे Z+ सिक्योरिटी मिल गई 2 पंजाब के BJP लीडर्स को, अभी रिसेंटली वो कांग्रेस से BJP में गए और उनको Z सिक्योरिटी मिल गई है, गजब। इसके अलावा एप्पल ने दोस्तों अपना जो फॉक्सकॉन का तमिलनाडु के अंदर जो यूनिट थी ना उसको होल्ड पे रख दिया है। देखो ये मुद्दा क्या हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, तमिलनाडु के अंदर हमारे इंडिया में एप्पल के जो मोबाइल फोन है वो असेंबल होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं असेंबलिंग होती है, तो तमिलनाडु में एक फैक्ट्री है वहां पर जो होती है। अब क्या हुआ कि वहां पर जो वर्कर्स थे ना उनके लिए खाने की व्यवस्था रहने की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब थी, तो कई सारी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि कई सारे लोगों ने खाना खाया वो बीमार पड़ गए, डायरिया की प्रॉब्लम हो गई।
तो उसके बाद में इस फैक्ट्री को उस टाइम के लिए होल्ड पर रख दिया गया, बंद कर दिया गया, और अभी भी इन्होंने इसको बंद ही रखा हुआ है ताकि इसकी जो चीजें हैं उनको इम्प्रोवाइज कर सके। यहाँ पे बात करें तो दो, देखो एप्पल की जो एप्पल जो कंपनी है ना वो कभी भी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। एप्पल कोई इंडस्ट्री खुद सेटअप नहीं करती है, एप्पल एक टेक कंपनी है। दुनिया में जितनी भी बड़ी कंपनी है ना वो टेक कंपनीज है, समझ गए मेरी बात, वो टेक्नोलॉजी बिल्ड करती है, इनोवेशन करती है। एप्पल अपनी टेक्नोलॉजी देता है और किसी और को टेंडर देता है कि भाई तुम जो है मैन्युफैक्चरिंग, तो फॉक्सकॉन करके कंपनी वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, समझ गए मेरी बात। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि गोवा के अंदर जो माइंस के ऊपर 2018 में बैन लगाया गया था वो वापस से ओपन कर दिया गया है, एक्सपोर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है आयरन ओर को। तो ये आपका पूरा का पूरा फ्रंट पेज है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट फाइंड कि यहाँ पे कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पेज नंबर 12 की न्यूज। यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो अटल इनोवेशन रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, साथ में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए ओमिक्रॉन उन लोगों के भी हो रहा है जिन्होंने दोनों डोज लगा लिए, क्योंकि ओमिक्रॉन क्या है इसका इम्यून एस्केप पोटेंशियल जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ये एस्केप मार रहा है मतलब आपके जो दोनों डोजेस को, ठीक है। तो कई सारे स्टेट में स्पाइक है जो कि इन्फेक्शन में देखने को मिले। यहाँ पे देखिए 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 7 IIT और IISc बैंगलोर, ये टॉप 10 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो कि बताए गए हैं प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर। ये रैंकिंग को बोलते हैं ARIIA, समझ गए, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ये रैंकिंग है। तो वेनेसडे को इसका अनाउंसमेंट है जो कि 2021 का है जो कि किया गया। ओके IITs जो है टॉप 7, एक तो 7 तो IITs है इसमें, एक आपका IISc है इसमें, ये मैं बात कर रहा हूँ टॉप 10 की, 10 में से 8 तो यही है जिसके अंदर IIT मद्रास जो है वो नंबर 1 के ऊपर है, ठीक है गाइस। यहाँ पे IIT मद्रास, उसके बाद IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, रुड़की, इस तरीके से रैंकिंग है जो कि बताई गई है। IISc की बात करें तो IISc को यहाँ पे 6th रैंक है जो कि मिली है। उसके अलावा NITs भी है कुछ, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में वो भी है। तो ये ARIIA ये एक इनिशिएटिव है जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि सिस्टमेटिकली रैंकिंग कर सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जो कि इनोवेशन के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, इनके अंदर काम करते हैं। जरूरी है, तीनों चीजें बहुत जरूरी है किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, जरूरी है कि वो नौकरी देना, नौकरी लेना नहीं सिखाए, नौकरी कैसे क्रिएट करी जाती है वो सिखाए, समझ गए। अगर आप मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन में ये सिखाया जाता है कि आपको जॉब कैसे लेनी है और ये सिखाया जाता है कि जॉब क्रिएट कैसे करनी है, कैसे आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो वो बहुत बड़ी बात है। ओके क्योंकि आप एक जब आप कोई काम करते हो तो कई लोगों को जॉब है जो कि अवेलेबल करवा सकते हो, ठीक है। आज के टाइम पर अगर मैं अनअकैडमी की बात करूँ तो 20,000 लोग हैं जो कि अनअकैडमी में काम करते हैं, 7,000 तो एम्प्लॉयज हैं, 5-7,000 के आसपास एजुकेटर्स हैं, उसके अलावा 5-1,000 इनडायरेक्टली जो है कंटेंट वाले, चेक करने वाले, डाउट सॉल्वर, अगर है ना जो इनडायरेक्टली जो एसोसिएटेड है वो लोग हैं। तो क्या होता है कि आप जॉब क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके देश में क्या होता है कि जितने भी युवा है ना उनको जॉब मिलनी पॉसिबल हो पाती है। सोचिए अगर टाटाज, अंबानीज ये सब अगर नहीं होते हमारे देश में तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये ज़रूरी है। तो इसी को लेकर ये रैंकिंग है जो कि पब्लिश करना स्टार्ट करी गई थी, है ना। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज किया गया, और इसमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर रैंकिंग है जो कि जारी करी जाती है ना। फोकस करा जाता है कि कितना क्वालिटी ऑफ इनोवेशन है जो कि किया गया, कितना इंपैक्ट है जो कि इनके द्वारा इंटरनेशनली क्रिएट किया गया। कैटेगराइजेशन इसके अंदर किया हुआ है 2 कैटेगरी में, एक तो पब्लिक फंडेड है जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, और दूसरी कैटेगरी है प्राइवेट या फिर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद में जो पब्लिकली फंडेड है जो सरकारी है उनको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, एक स्टेट यूनिवर्सिटीज है, एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है, तो ऐसे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटीज में और एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के अंदर, समझ गए मेरी बात। चलो आगे बात करते हैं, और इसके अंदर एक और सब कैटेगरी इंक्लूड करी गई थी जो कि महिलाओं के लिए है। 2020 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि महिलाओं को एनकरेज करने को लेकर, जेंडर पैरिटी को इंप्रोवाइज करने को लेकर। इसमें कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि रैंकिंग को निकालते वक्त दिखाए जाते हैं, मतलब इसमें कंसिडर करे जाते हैं, बजट क्या है, कितना फंड मिल रहा है उस इंस्टीट्यूट को, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अवेयरनेस कैसी है, सपोर्ट कैसा है, लर्निंग मेथड कैसे है, प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, है ना, इनोवेशन इन गवर्नेंस, ये सब कैसे हैं। तो ये सारे के सारे
कुछ पैरामीटर्स है जो कि इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं रैंकिंग को बताने से पहले, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस सिस्टम को लेकर। तो दो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट है जो कि अभी इंपोर्ट के अंदर इंक्लूड करी गई है। देखो क्या हुआ है कि हम कई सारे सामान इंपोर्ट करते हैं डिफेंस के, कई कुछ एक हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम लोग इंपोर्ट के अंदर आपको मालूम है बहुत ही आगे हमारे, अगर मैं ये बात करूं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो 550-600 बिलियन डॉलर जो है वो खर्चा करते हैं, विदेशी कंपनियों को देते हैं सामान खरीदने के लिए। हमें जो पैसा मिलता है पूरी दुनिया में, है ना, एक्सपोर्ट करके कोई भी सामान जो हम कमाते हैं पूरी दुनिया से, वो कोई 350 बिलियन डॉलर के आसपास कमाते हैं। यानी कि डेफिसिट आप देख सकते हो 350 बिलियन और 550 बिलियन, यानी कि 200 बिलियन डॉलर का बहुत बड़ा नुकसान है जो कि हमें होता है। उसमें एक मेजर पोर्शन जो होता है वो दो चीज़ों का होता है, तीन चीज़ों का होता है, क्रूड ऑयल आपका गोल्ड हो गया और तीसरा डिफेंस का हो गया। तो क्रूड ऑयल और गोल्ड ये दोनों तो चलो ठीक है जो भी है वो अलग मैटर है, लेकिन तीसरा जो है वो डिफेंस है। अब डिफेंस में हम लोग बहुत सारे हथियार हैं जो कि इंपोर्ट करवाते हैं, और उनको अगर हम लोग खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उनको बनाने लगे ना, तो इससे कई सारे फायदे हमें होते हैं। एक तो हमारे यहाँ की खुद की कंपनीज पैसा कमाएगी, दूसरा हमारा देश का पैसा हमारे देश में रह जाएगा, तीसरा नौकरियों का वहाँ पे नौकरी काफ़ी बढ़ेगी, चौथा यहाँ पे हम लोग इनोवेशन में आगे बढ़ेंगे। तो ये काफ़ी फायदे हैं जो कि मिलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, 209 मेजर प्लेटफॉर्म और सिस्टम जो है, ठीक है, और इसके अंदर अपने 209 ऐसे सामान है उनके इंपोर्ट को बार कर दिया है, रोक दिया है। हम कोशिश करेंगे उनको खुद को है जो कि इंडिया में बनाए। तो यहाँ पे 209 ऐसे मेजर प्लेटफॉर्म और सिस्टम थे जो कि इंपोर्ट करते थे हम लोग, उनको हमने बार कर दिया, हमने उनको रोक दिया है। और हम ऐसे 2500 सब सिस्टम और कंपोनेंट है जो कि हम लोग खुद इंडिया में बनाएंगे। 350 ऐसे इंपोर्टेड आइटम्स है जो हम लोग आने वाले 3 सालों के अंदर इंडिया के अंदर ही है जो कि उसका प्रोडक्शन करेंगे आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के तौर पे, ताकि फॉरेन एक्सचेंज जो पैसा है वो हम बचा सके। अगर हम लोग 350 इंपोर्टेड आइटम्स को इंडिया में बनाने लग गए ना, तो आप ये मान के चलिए नियर बाय 3000 करोड़ रुपए पर ईयर है जो कि हमारे बचने चालू हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा एक नोटिफिकेशन दे दिया कि कौन कौन से सब सिस्टम है, कंपोनेंट्स है जो कि हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे 351 ऐसे आइटम्स का नंबर है जो कि यहाँ पे पता किया गया है जो कि हम लोग खुद बना सकते हैं। तो हमारे जो PSUs है ना उनको बना, वो उनको काम है जो कि ये दिया जाएगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रोवाइज करने को लेकर स्टेप है जो कि लिया गया है। अभी इसके अंदर 209 ऐसे इंडिजीनियस लिस्ट है, उसको हम लोग 1000 तक है जो कि आने वाले टाइम तक पहुंचाएंगे। और 85,000 करोड़ रुपीज का अभी हमारे मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, और जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 18,000 करोड़ के आसपास है। 85,000 में से 18,000 करोड़ के आसपास प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसके अंदर। 2022 के अंदर है ना हमारा टारगेट है, हम इसको 1,00,000 करोड़ तक लेके जाएं, और 2047 तक 5,00,000 करोड़ तक है जो कि हम लोग इस डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को जो है वो लेके आए। ठीक है गाइस, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग लो कॉस्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्शन है जो कि करें। तो हमने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है जो कि 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करने का रखा है 2025 तक, समझ गए मेरी बात, एरोस्पेस और डिफेंस गुड एंड सर्विसेज को लेकर। इसमें कई सारे आइटम्स हमने पता कर लिए हैं, अब उनके ऊपर काम करना स्टार्ट किया जाएगा। ओके चलो, 209 आइटम है जो कि हमने इसमें इंक्लूड करे थे पहले, अभी हमने 351 है जो कि इसके अंदर कर दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत कई सारे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं डिफेंस के अंदर इंप्रोवाइज करने के लिए, जैसे कि FDI की लिमिट, पहले प्राइवेट पार्टिसिपेशन 49% ही हुआ हो सकता था डिफेंस के अंदर, अभी हमने इसको बढ़ा के 74 है जो कि कर दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% तक। इसके अलावा हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का भी फॉर्मेशन किया है, कई सारी यूनिट्स हैं ताकि छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो कि जल्दी फैसला लेके काम को आगे बढ़ाएगी। हम हमारे डिफेंस के जो इम्पोर्ट बिल है, जो हमारे सामान आता है जो हम उसको बिल देते हैं, उसको हम लोग कम करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी दोस्तों कॉर्पोरेट उसको हमने क्या कर दिया है, 7 यूनिट के अंदर जो कि बाईपास कर दिया है। ओके, तो सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है हमारी पूरी दुनिया के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है हम लोग पिछले 4-5 सालों से। बजट की बात करें 5,50,000 करोड़ का दोस्तों बजट है जो कि इस बार हमें डिफेंस में देखने को मिला, जो कि 9% इंक्रीमेंट था प्रीवियस से। टर्नओवर की बात करें तो 1.7 ट्रिलियन रुपी टर्नओवर 2025 तक टारगेट रखा है, 350 बिलियन रुपी एक्सपोर्ट का टारगेट है जो कि 2025 तक हमने रखा है, समझ गए।
ओवरऑल डिफेंस का जो प्रोडक्शन इंडिया में वो 6.4 बिलियन रुपए डॉलर का हुआ करता था, उसको अभी हमने बढ़ा के 11.4 बिलियन डॉलर तक तो हमने उसको कर दिया है, समझ गए? ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन फॉर आरबीआई एनटीपीसी मैगजीन, करंट अफेयर वीडियो आपको मिल जाएगा हेमंत, वो मैगजीन से कम नहीं है, वो मैगजीन ही मानो उसको, ठीक है, बढ़िया से उसको जो है देखना। मंथली करंट अफेयर नवंबर का मैंने नहीं करवाया ना, करवा दूंगा उसको भी, नवंबर दिसंबर दोनों का करना है आप लोगों को, है ना। चलिए, तो अभी भी हम लोग दुनिया में टॉप इम्पोर्टर जो है वो माने जाते हैं, टॉप 3 के अंदर ही है, और एक्सपोर्टर की बात करें तो दुनिया के टॉप 25 एक्सपोर्टर के अंदर है, ठीक है गाइस। चलो आगे बात करते हैं, पेज नंबर 13 दोस्तों, यहाँ पे हांगकांग को लेकर बात करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे इसराइल को लेकर बात करेंगे। WHO ने वार्निंग है जो कि अभी ओमिक्रॉन को लेकर यहाँ पे दी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है ग्लोबली है कि इसराइल और पैलेस्तीन दोनों के बीच में दोस्तों थोड़ी अच्छी बातें हैं जो कि होने लगी है, अदरवाइज दोनों जो है एक दूसरे के आए दिन जो है वो गुत्थम गुत्था होते रहते हैं। यहाँ पे भी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसराइल ने दोस्तों एक पैकेज है जो कि यहाँ पे रिलीज किया है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अपना है, जो वेस्ट बैंक है ना जो कि उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसके ऊपर, जहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बैनी, उन्होंने वहां के पैलेस्टीन के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास उनके साथ में दोस्तों यहाँ पे बातचीत करी है मैटर को रिजोल्व करने के लिए। ये फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है 2010 के बाद, तो सोचिए 12 साल बाद में ऐसा हुआ है कि ये विजिट है जो कि हुई है, और दोनों आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग, वहां पे डेवलपमेंट, वहां पे सिविलियन मेजर इकोनॉमिक को डेवलपमेंट उनके ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 6000 फिलिस्तीन जो रहते हैं ना वेस्ट बैंक के अंदर, उनके यहाँ पे उनको यहाँ पे डेवलप करना, उनको सुविधाएं अवेलेबल करवाना, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। हालांकि ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है जहाँ पे 6000 फिलिस्तीन के लोग रहते हैं, इसको इसराइल ने कैप्चर है जो कि किया हुआ है, जब 1967 में 6 डे वॉर हुई थी ना तभी इस एरिया को जो है वो इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों दीवार से चिपका रखा है भाई साहब को, ठीक है, और यहाँ पे हथकड़ी है जो कि उनको लगाई जा रही है। तो ये हांगकांग के अंदर दो बड़े न्यूज़पेपर हुआ करते थे जो कि डेमोक्रेसी की बात किया करते थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे चला करते थे, चाइना के जो सेंक्शन है उनके ऊपर बात किया करते थे। पहला वाला जो था उसको तो इन्होंने पहले बंद कर दिया, अब जो दूसरा नंबर का था ना दोस्तों उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज का जो आउटलेट था वो शटडाउन हो गया, चीफ एडिटर स्टाफ ऑफ स्टैंड न्यूज ओके उनके ऑफिस के ऊपर रेड मारी गई, उनके घर के ऊपर रेड मारी गई। तो हांगकांग ने दोस्तों अपना सेकेंड इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट जो है वो यहाँ पे शटडाउन हो गया, स्टैंड न्यूज पहले हुआ था और अभी दूसरा भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्रैकडाउन है जो कि यहाँ पे चल रहा है, 200 पुलिस वाले जो है वो ऑफिस के अंदर पहुंचे, मल्टीपल रेड करी घर के ऊपर, ऑफिस के ऊपर, और यहाँ पे उसको शटडाउन है जो कि करवा दिया। इससे पहले दोस्तों एक और न्यूज़पेपर था, उसका नाम था एप्पल डेली, ये भी बहुत ही फेमस और बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था, सेकंड वाला जो यहाँ पे है वो है स्टैंड न्यूज, समझ गए मेरी बात। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, चाइना का बेसिक लॉ के अंदर चेंजेस करने की वजह से ऐसा हो रहा है। हांगकांग को पहले दोस्तों ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, चाइना को उन्होंने हैंडओवर किया 1997 के अंदर। क्यों हैंडओवर किया, क्योंकि किसी जमाने में दोस्तों पहले 100 साल पहले ब्रिटिशर्स ने ही जो है वो चाइना से इसको लिया था ओके, और एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR है जो कि इसको घोषित किया गया ओके। इसके अंदर इनका खुद का संविधान लाया गया जिसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं बेसिक लॉ। बेसिक लॉ का मतलब ये था कि भाई एक कंट्री होगा, दो सिस्टम चलेंगे, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी, हांगकांग का सेपरेट होगा, बस अगर हांगकांग को फॉरेन अफेयर में और कम्युनिकेशन में जरूरत होगी तो वो चाइना से मदद लेगा, इसके अलावा किसी भी चीज में मदद नहीं लेगा, इंडिपेंडेंटली कंट्री है जो कि अपना चलेगा। धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, हांगकांग इतना ज्यादा डेवलप हुआ कंट्री कि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा हो गया ना सिर्फ चाइना को डेवलप करने के लिए, पूरी दुनिया में हांगकांग आपको मालूम है वहां पे सबसे ज्यादा बिलियनियर हांगकांग में रहते हैं, सिंगापुर हांगकांग इन्हीं कंट्रीज में, तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया कि अब चाइना की बस की बात नहीं है कि अगर हांगकांग बिल्कुल भी इधर उधर होता है ना तो चाइना की हालत खराब हो जाती है। तो उसने क्या किया, इस संविधान को ही दोस्तों बदल दिया कि मेरा ही कंट्रोल है जो कि हांगकांग के ऊपर पूरी तरीके से होना चाहिए। तो 1984 के सीनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बोला गया था कि चाइना ने प्रॉमिस किया था कि हांगकांग को बिल्कुल लिबरल पॉलिसीज पे रखेंगे, गवर्नेंस पे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, सबको फ्रीडम होगी, समझ गए। ये पूरी बात है जो कि 1997 से 50 साल तक के लिए दी गई थी, 50 साल बाद क्या होगा 47 में वो बाद में पता लगेगा ओके, लेकिन बोला था, प्रॉमिस किया था, लेकिन वही वाली बात है, हीरो वो जो कि प्रॉमिस निभाए, विलन वो जो कि प्रॉमिस तोड़े। अब चाइना तो विलन वाला ही है, विलन वाला आदमी है, तो चाइना ने दोस्तों उसको ब्रेक कर दिया
और क्रैक डाउन करना चालू कर दिया है। ठीक है गाइस, 2003 के अंदर देखिए फर्स्ट मेजर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट है जो कि यहाँ पे होना चालू हो गया था अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉ। अभी नेशनल सिक्योरिटी लॉ में क्या होता है, कोई भी चाइनीज के खिलाफ कुछ बोलेगा तो सीधे चाइना की जेल में डालते हैं उनको उठा के, है ना। तो इनके खिलाफ जो है लॉ के खिलाफ डेमोक्रेसी की बात होने लगी। 100,000 लोग है जो कि दोस्तों अम्ब्रेला रिवोल्यूशन उन्होंने चाइना के खिलाफ स्टार्ट कर दिया। लार्जेस्ट प्रोटेस्ट 2019 में देखने को मिला जो उनका एक्सट्रेडिशन लॉ था, है ना, कोई भी आदमी को चाइना में भी जेल करवा सकते हैं इस चीज को लेकर। तो बहुत सारी मार्चेस हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद में आ गया कोविड और ये दोस्तों मूवमेंट है जो कि दब गया। आगे बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर। यहाँ पे अगर हम देखें तो दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिसी है जो कि यहाँ पे झारखंड के द्वारा जारी करी गई है। झारखंड एक बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि सेट किया है। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, शेयर नहीं किया तो, ताकि और भी जो है वो बच्चे ज्वाइन कर सके। एक बार शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। चलो तो यहाँ पे दोस्तों झारखंड ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ये किया है कि जो भी बीपीएल परिवार के लोग हैं, मिडिल क्लास लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, जिनके पास टू व्हीलर है और जो गरीब है, उनको पेट्रोल 25 रुपये कम दाम के अंदर है जो कि मिलेगा महीने में 10 लीटर। ठीक है, उससे क्या होगा, डेफिनेटली मतलब उनको तो काफ़ी बेनिफिट होगा। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से तो टू व्हीलर का जुगाड़ करता है ना, उसके बाद उसकी कोई 8-10 हज़ार रुपये 5-10 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है उसके अंदर, फिर ये 100 रुपये का पेट्रोल और अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको क्या होगा, 10 लीटर से उसको काफ़ी बेनिफिट है जो कि होगा। तो फर्स्ट रीजन है जो कि कंट्री में ऐसा लिया गया है, जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, उसको टैकल करने के लिए झारखंड ने 25 रुपये सब्सिडी है जो कि पर लीटर वो पेट्रोल है जो कि राशन कार्ड होल्डर्स को जिनके पास टू व्हीलर है उनको यहाँ पे दी है। ओके, 10 लीटर पर फैमिली के हिसाब से जो है ये मिलेगा। ओके गाइस, रिपब्लिक डे के ऊपर इसकी शुरुआत है जो कि कर दी जाएगी। हालांकि पेट्रोल करंटली यहाँ पे 98 रुपये का है, डीजल 91 का है, और जो ये स्कीम है इससे जो लोअर सेगमेंट है, जो टू व्हीलर्स वाले ओनर्स हैं, उनको काफ़ी बेटर है जो कि होगा। तो हेमंत सोरेन जी के द्वारा अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है। झारखंड के बारे में बात करें, दसम फॉल देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है साइड में, है ना, और डैम है पंचक डैम दामोदर रिवर के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा बद्रीनाथ टेम्पल है, इसके अलावा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत ही फेमस। 2000 के अंदर फॉर्मेशन हुआ, 15 नवंबर को रांची कैपिटल हुआ, जमशेदपुर सबसे बड़ी सिटी है, 24 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर रमेश जी है, JM के हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर है, 81 विधानसभा की सीटें, 6 राज्यसभा, 14 लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन की बात करें, 3.75 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन अभी कोई 3.5 करोड़ के आसपास हो गई होगी। इसके अलावा GDP की 4.25 लाख करोड़ है, कोई खास नहीं है, $51 बिलियन की GDP है। पर कैपिटा के बारे में बात करें तो 80,000 रुपये पर पर्सन पर ईयर जो कि बहुत ही कम है, नेशनल एवरेज से भी बहुत कम है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, बाकी एडिशनली बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो कि यहाँ पे चलती है। आगे बात करते हैं ब्रिक्स को लेकर। ब्रिक्स बैंक आपको मालूम है ना, ब्रिक्स बैंक को हम लोग बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, मालूम है ना। ओके, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक और नए मेंबर को एड ऑन करेगा। नया मेंबर कौन सा है जो कि इसके अंदर आने वाला है, ये इनका 4th नया मेंबर है। पहले तो क्या था, ये 5 कंट्री थे ब्रिक्स कंट्रीज, समझ गए मेरी बात। अब क्या हो गया है कि 5 के अलावा 4 और नए मेंबर इन्होंने जोड़ लिए। रिसेंटली जिसको जोड़ा है वो है इजिप्ट, इसके अलावा कुछ टाइम पहले बांग्लादेश को, UAE को, यूरोगवे को, इन सबको भी दोस्तों इन लोगों ने क्या किया था अपने बैंक के अंदर है जो कि जोड़ लिया था। देखो क्या होता है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक के लिए ही काम आता था, लेकिन अब इनकी भी को भी रीच जो है वो बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है ना। ठीक है, अब इनका हेडक्वार्टर जो है इन लोगों ने बना रखा है कहां पे, शंघाई के अंदर इनका हेडक्वार्टर। इनका जो हेड है वो है, उनका नाम है मार्कोस करके है, ठीक है, जो जो कि यहाँ पे इनके हेड है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि बहुत पुराना बैंक है, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इसको 2014 के अंदर ही है जो कि इसको बिल्ड किया गया था, समझ गए, ट्रीटी साइन हुई थी 2015 से ही जो है ये काम में आ रहा है। ओके गाइस, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो शेयर होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है यहाँ पे, सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज की बात करूं मैं तो जो ऊपर के 5 कंट्रीज है ना, ओके, जो ये वाले जो पूरे 5 कंट्रीज है इन सबके पास में दोस्तों कोई 19 point something के आसपास कोई शेयर होल्डिंग है, तो यानी कि सबके पास में बराबर है। उसके बाद में जो नए वाले कंट्रीज आ रहे हैं ना, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, UAE, यूरोप है, इन सबके पास में शेयर होल्डिंग काफी कम है कंपेरेटिवली,
समझ गए। इसके अलावा आप सभी को मालूम ही है, ब्रिक के बारे में बात करें तो ब्रिक समिट जो होता है वो बिल्कुल ऑर्डर के अंदर है जो कि करवाया जाता है। जैसे कि 2021 के बारे में बात करें तो किसके होगा, जैसे ये ऑर्डर है ना, इसी ऑर्डर के अंदर समिट है जो कि होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली वाला कहां पे होगा, अगर सबसे पहला जो इनका सबमिट हुआ था वो हुआ था 2009 के अंदर, है ना, 2009 के टाइम पे है जो कि सबसे पहला सबमिट है जो कि हुआ था। अभी रिसेंटली के बारे में बात करें तो 2021 का आपको देखना पड़ेगा। इंडिया का कौन से सीरीज में आने वाला है नंबर, इंडिया का 2021 में तो नंबर आया था अभी, तो ये हो गया 2021 में इंडिया का। ठीक है, अब 2022 का होगा चाइना में, 2023 का होगा कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, और इससे पहले 2020 का हो गया रशिया में। मतलब ये सब वर्चुअली है जो कि हुआ था, है ना, ये सब वर्चुअली है जो कि हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से हो नहीं पाया था। जनसत्ता के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे महंगाई को लेकर बताया गया है, आरबीआई ने दोस्तों काफ़ी चिंता व्यक्त करी है। अभी नवंबर के अंदर बहुत बुरे हालात हो गए कि जो एनपीए है ना, जो एनपीए है दोस्तों वो 9% से भी ऊपर है जो कि चला गया, यानी कि जो बैंकों ने पैसा दिया था ना वो 9% के आसपास तो यहाँ पे डूब ही गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो कि बताई गई है। इसके अलावा आप ये सोच के देखिए कि देश बैंकों की हालत और बहुत ज़्यादा है जो कि खराब होने वाली है। देश में आप नियर बाय है ना, ये मान के चलो कि 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास जो है वो इंस्टॉलमेंट का पैसा है जो कि जाता है हर साल देश के लोगों के अकाउंट में से, जो लोन लेते हैं वो 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास इंस्टॉलमेंट जाती है। ओके, आज के टाइम पे 2500-3000 करोड़ के आसपास तो वो बाउंस हो रही है। तो जो मतलब समझ गए कि नौकरी की कितनी ज़्यादा बड़ी समस्या है जो कि अभी प्रेजेंट के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है यहाँ पे, जो कि है अफगानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को लेकर। देखो अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है कि अफगानिस्तान के जो भी ये तालिबान ग्रुप है ना, इनको ये तो पता था कि लड़ाई कैसे करते हैं, इनको ये भी पता था कि कैसे सत्ता हासिल करी जाती है, कैसे जनता को भड़काया जाता है, कैसे दंगे कराए जाते हैं, लेकिन इनको सब देश चलाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो इनको नहीं आती थी, नहीं आती है, वो है इकोनॉमी, कैसे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि जो तालिबान के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो तो बढ़िया ऐश में जी रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कैसे देश के को चलाना है, कैसे देश की इकोनॉमी को चलाना है, कैसे लोगों को भुखमरी से बचाना है। अब ये पूरी तरीके से जो है वो इंटरनेशनली डिपेंडेंट है जो कि हो चुके हैं पूरी तरीके से। जब अब तालिबान, पहले क्या होता था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी होती थी, दुनिया उसको सपोर्ट भी करती थी, लोग डोनेशन भी दिया करते थे अफगानिस्तान को, दुनिया के कई सारे कंट्रीज ने डोनेशन जो है वो बंद कर दिया जब से तालिबान ने कंट्रोल किया है। ओके, और कंट्री पूरी तरीके से कलैप्स वाली कंडीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मतलब जो भी कंट्री का बजट था ना, उसका 80% पैसा तो इंटरनेशनल जो है ना हेल्प है उससे ही इनका काम चला करता था। अब सारे डोनर ने दोस्तों क्या कर दिया, पैसे देना बंद कर दिया। अमेरिका ने भी अफगान का जो सेंट्रल बैंक था जिसके पास $10 बिलियन के आसपास थे उसको भी फ्रीज कर दिया। अभी यूएनएससी ने जरूरी रिजोल्यूशन पास किया जिसमें बोला है कि भाई ठीक है थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, लेकिन वो मदद जो है वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हो चुकी है। तो 40 मिलियन 4 करोड़ लोग के आसपास है जो कि अभी यहाँ पे फूड क्राइसिस है जो कि झेलने के ऊपर लगे हुए हैं। हम लोगों ने भी खैर इनकी फूड क्राइसिस से मदद करने के लिए तो काफ़ी सामान भेजा है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, है ना। तालिबान ने बोला था कि हम महिलाओं को आज़ादी देंगे, महिलाओं को डेवलपमेंट करवाएंगे यहाँ पे, लेकिन कोई भी ऐसी जो अच्छी बातें बोली गई थी ना वो एक भी दोस्तों सच है जो कि नहीं हुआ। बढ़िया वैसे ही जी रहे हैं जैसे कि पहले जिया करते थे, इसीलिए दुनिया इनकी मदद करने को भी रेडी नहीं है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन को लेकर, तो कोई भी रिकॉग्निशन करने को भी तैयार नहीं है। कई सारी कंट्रीज अपनी एम्बेसी अभी भी ओपन रखी हुई है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ने अपनी डिप्लोमेटिक मिशन ओपन है, लेकिन ज्यादातर कंट्री के अभी यहाँ पे बंद हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए बहुत ज्यादा डिजास्टर है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं जो कि है 5G को लेकर। दोस्तों आपको मालूम है 2022 के अंदर 23 में हो सकता है आपकी जो मेजर सिटीज है, टीयर 1 सिटीज है, यहाँ पे आपको 5G टेलीकॉम सर्विसेज है जो कि देखने को मिले। टेलीकॉम कंपनी और इंडस्ट्री के साथ में गवर्नमेंट बात कर रही है 10 साल तक के लिए स्पेक्ट्रम है जो कि अलोकेट करने की बात करी जा रही है 5G टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G को अगर आप मिला लो, हाई स्पीड इंटरनेट और टेक्नोलॉजी AI, तो ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर डेवलपमेंट नहीं होगा।
हर जगह आपको एक जबरदस्त डेवलपमेंट है, मतलब ई सर्विसेज है जो कि आपको देखने को मिलेगी, नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी सब जगह देखने को मिलेगी। 5G एक लेटेस्ट अपग्रेड है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के अंदर, है ना। ये लो, मिड और हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड में काम करेगा। अब जो लो वाला होगा इसकी रेंज बहुत ज्यादा होगी, इसकी रेंज हाई होगी लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला होगा इसकी रेंज कम होगी लेकिन जो इसकी स्पीड होगी ना वो 100 गीगा, ये मान लो आप गीगाबाइट पर सेकंड के आसपास की स्पीड होगी। तो इस तरीके से तीन कैटेगरी में इसका डिवीजन है जो कि क्या हुआ है। जो लो बैंड है वो 100 Mbps तक की स्पीड देगा और उसकी रेंज काफी ज्यादा होगी। जो मीडियम वाला है वो ठीक ठाक स्पीड देगा और उसकी मीडियम रेंज होगी। जो हाई बैंड वाला है ना इसकी एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज होगी लेकिन ये स्पीड बहुत ही जबरदस्त देगा। आप देख सकते हो 20 Gbps से लेकर 100 तक जाएगा ये। ओके, ये आपकी ऐसे इंडस्ट्री जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होता है, मूवी मेकिंग, उनके ऊपर ये काफी मदद करेगा। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो 2018 से ही दोस्तों हमने प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दिया था बेटर नेटवर्क, बेटर स्पीड को लेकर। भारतीय एयरटेल, जियो, VI ये सब जो है वो DoT से परमिशन ऑलरेडी मांग रहे हैं, रोडमैप मांग रहे हैं कि कैसे स्पेक्ट्रम का लोकेशन है जो कि होगा और कैसे ये रोल आउट होगा। ओके चलिए, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि इन तीन में से वोडाफोन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है अभी, है ना। स्पेक्ट्रम के पैसे पहले वाले भी जो है उनको देने बाकी है काफी। साउथ कोरियन कंपनी जो सैमसंग है उसने दोस्तों दुनिया के अंदर काफी लीड ले लिया 5G हार्डवेयर इक्विपमेंट को लेकर। हवाई और सैमसंग ये दोनों कंपनी थे, हवाई की हालत इसलिए खराब हो गई क्योंकि उसको अमेरिका का गुस्से का सामना करना पड़ा, तो सैमसंग को इसका काफी फायदा है जो कि मिल गया, है ना। चाइना में और भी कई सारी कंपनी है, यूनिकॉम करके और भी कंपनी है जो कि इसके ऊपर काम कर रही है। वेरिजॉन, AT&T ये सब USA की कंपनी है, वहां पे उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है इसके ऊपर काम। 60 सिटीज के अंदर मतलब ये सर्विसेज इन्होंने ऑलरेडी अपनी एक्सपेंड जो की कर दी है। आगे बात करते हैं जो कि इसराइल पैलेस्टीन को लेकर है। गोलन हाइट के अंदर भी दोस्तों इसराइल जो है वो क्या कर रहा है, $317 मिलियन का प्लान है जो कि उसने बनाया है ताकि जूविश सेटलमेंट जो है गोलन हाइट के अंदर बढ़ा सके। गोलन हाइट एक प्लेट्यू वाला एरिया है, एक हिली एरिया है जो कि जॉर्डन रिवर के जस्ट ऊपर की तरफ है और यहाँ पे टूरिज्म भी काफी है ना, काफी अच्छी जगह मानी जाती है गोलन हाइट। इसराइल ने इसको कैप्चर किया था अपनी वॉर के अंदर, 6-day वॉर के अंदर 1967 में, और वहां पे अपने सेटलमेंट को बढ़ा रहा है। देखिए 7,000 घर है जो कि बना रहा है 5 साल के अंदर, 30,000 नए लोग हैं, ज्यूइश लोग हैं जो कि वहां पे सेटल करेगा, 1 बिलियन इजरायली शेकल जो कि करेंसी चलती है वो स्पेंड है जो कि यहां पे करेगा, समझ गए। ये देखिए लेबनान है, ये आपका सीरिया, सीरिया से ही दोस्तों इन्होंने इस एरिया को अपने अंडर में लिया था कैप्चर। अब क्या हो जाएगा, 5 साल में जब यहां पे सेटलमेंट हो जाएगा ना तो फिर इसराइल क्या करेगा, सीरिया की तरफ देखेगा, ठीक है। तो सीरिया के लिए बहुत ही टेंशन की बात है। 1967 में सारे देश मिलके जो है वो इसराइल से लड़ने की कोशिश करी लेकिन 6 दिन के अंदर ही हार गए। ओके, तो इन्होंने इसराइल ने करके सबका थोड़ा थोड़ा एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया। ओके, सबका, तो उसमें से गोलन हाइट जो है वो सीरिया वाला एरिया है। ओके गाइस, चलिए, तो 1967 के अंदर ये कब्जे में जो है वो लिया गया था और यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। स्ट्रेटेजिक प्लेट्यू जो है वो प्रोटेक्शन करने के लिए भी बहुत जरूरी है, इनके डिफेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि ये माना जाता है। चलो आगे बात करते हैं, और ये देश सीनियाई पेनिनसुला, गाजा, वेस्ट बैंक, जेरूसलम की ओल्ड सिटी, गोलन हाइट, ये सारा एरिया जो है ये इसराइल अरब वॉर जो हुई थी ना तीसरी गोलन, ये वाले 1967 वाली, उसके अंदर ये एरिया लिया गया था। आगे बात करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 की, बहुत ही अच्छा एक्ट है वैसे लेकिन इसको लेकर काफी इश्यूज है जो कि अभी रिसेंटली हो रहे हैं। क्यों इश्यूज हो रहे हैं, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट है जो कि अभी पास किया है, इसमें यह बोला गया है कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जो बोर्ड मेंबर्स होंगे ना उसके अंदर एक LGBTQI कम्युनिटी का भी मेंबर होगा, समझ गए। अब इस प्रोविजन का काफी अपोजिशन है जो कि हो रहा है। सरकार का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी लोगों को, है ना, गवर्नेंस में, रेगुलेशन में, वेलफेयर में, डेवलपमेंट में, पॉलिसीज में, स्कीम में, तो एक LGBTQ कम्युनिटी का मेंबर भी आपके डेवलपमेंट, आपके यूनिवर्सिटी बोर्ड में होना चाहिए जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है जो कि हो सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये कहना है यूनिवर्सिटी वालों का कि कौन डिफाइन करेगा कि कौन LGBTQIA है और इसको सर्टिफाई कौन करेगा, ये दो प्रॉब्लम यहाँ पे बताई गई है। एक बोर्ड की सीट तो जा रही है लेकिन इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा कि ये बंदा जो है LGBTQIA कम्युनिटी का है, और है तो उसका सर्टिफिकेशन। हालांकि इसको लेकर वैसे पहले भी बात हो चुकी है कि लोकल लेवल पे कार्ड्स जो कि LGBTQ कम्युनिटी के बनाए जा रहे हैं, तो अगर वो बनते हैं तो उसके बाद में सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन ठीक है, क्रिटिसिज्म तो खैर हर चीज़ का ही आपको मालूम है, हो ही जाता है, करने वाली बात है।
आर्टिकल 16 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों, तो वो यही बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सेक्शन 1 जो है वो यही बात करता है कि हर एक जो भारतीय सिटीजन है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है जो कि मिलनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट से संबंधित। ठीक है गाइस, सेक्शन 2 बोलता है कि किसी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, पार्लियामेंट फ्री है इसको लॉ बनाने को लेकर, है ना। चलो आगे बात करते हैं अपने शॉर्ट्स को लेकर। तो शॉर्ट्स की बात करें तो सीईओ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज की राधिका झा जो कि जिनको अपॉइंट किया गया है, ओके, जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस है ना ये कि जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी पावर ग्रिड पावर फाइनेंस इन सबके बीच में। वैसे ईओ विल्सन फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी, इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है, पुलित्जर प्राइज विजेता थे, ह्यूमन बिहेवियर एंड के बिहेवियर के ऊपर काफी काम किया है, मैंने कल भी आपको बताया था डार्विन्स मॉडर्न डार्विन इनको कहा जाता था। वैसे ही फॉर्मर ग्रीक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2010 के टाइम पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे ना उस टाइम पे ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनकी भी मृत्यु हो गई है, ओके, कारोलस इनका नाम है जो कि हुआ करता था। नीतीश कुमार की बात करें, फोर्थ पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियन है जो कि रिसेंटली ये बने हैं भुवनेश्वर के अंदर, ओके, ध्यान रखिएगा डबल गोल्ड है जो कि इन्होंने हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप है जो कि यहाँ पे जीत ली है। ठीक है गाइस, चलो चंडीगढ़ को इन्होंने फाइनल में हराया, तमिलनाडु के अंदर इसको करवाया गया था। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप कर लिया साउथ इंडियन बैंक के साथ में। साउथ इंडियन बैंक 1927 में बना था, थ्रिसौर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, तो इन्होंने एचडीएफसी के साथ में पार्टनरशिप करी है लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को काम करने को लेकर। इसके अलावा इंडसइंड बैंक और एनपीसीआई ने टाइप किया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। एनपीसीआई और इंडसइंड बैंक दोनों पार्टनरशिप किया रियल टाइम बॉर्डर, मतलब दूसरे एक दूसरे कंट्री में पैसा जो है वो भेज सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। आज के दिन के इतिहास की बात करें तो 1983 में सुनील गावस्कर ने डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड है जो कि सेंचुरी का तोड़ा था। 1984 के अंदर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी वापस से इलेक्शन जीते। 2004 के अंदर हाईएस्ट बैरोमेट्रिक प्रेशर रिकॉर्ड किया गया, कहां पे, मंगोलिया के अंदर। 47 में लास्ट किंग जो रोमानिया के थे वो उन्होंने स्टेप डाउन किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रोमानिया जो कि यहां पे हुआ करती थी, ओके। वोकैबुलरीज की बात करें आज के दैनिक की तो पोर्टेंट का मतलब होता है जब आप पहले से आपको पता लगे किसी चीज के होने का आभास हो जाए उसको हम लोग पोर्टेंट है जो कि कहते हैं। इम्पिटस का मतलब होता है कि किसी को प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना, है ना। स्टिमुलस बहुत अच्छा वर्ड है, इंसाइटमेंट बहुत अच्छा वर्ड है। पोर्टेंट में, पोर्टेंट के अंदर ऑगर बहुत अच्छा वर्ड है, प्रीसेज बहुत अच्छा वर्ड है पहले से पता करना। आगे बात करते हैं यहाँ पे ओनस का मतलब होता है बर्डन, जो केस करता है उसी के ऊपर ओनस होता है उसको प्रूव करने का, यानी कि बर्डन उसी के ऊपर होता है। यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है। एम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है गड़बड़ करना कोई भी चीज के अंदर, ये तो गुत्ता गुत्ता हो रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं गेम में, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी मैस बहुत ही सिंपल वर्ड है। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छुपकर वार करना, गेम पे छुप जाना, ये देखो ये छुपा हुआ है ना इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं, इसको कंसील का अच्छा वर्ड है और बाकी तो नहीं है। रिप्रोचमेंट का मतलब होता है मेलजोल, जो आपस में मेलजोल होता है ना किसी का उसको रिप्रोचमेंट कहते हैं, री यूनाइटिंग रीयूनियन उसको अपन कहते हैं। ओके गाइस, आज के फन फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी, ये पुरानी फोटो थी, कलर नहीं थी, कलर किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी न्यूयॉर्क की 1900 के अंदर। देख सकते हो आप न्यूयॉर्क के हालात दोस्तों किस प्रकार के हुआ करते थे। अब चलते हैं 120 साल बाद में, ये देखते हैं दोस्तों न्यूयॉर्क, ओके। तो आज का फन फैक्ट यही था कि 120 सालों में दोस्तों कहां से कहां है जो कि न्यूयॉर्क पहुंच गया उसके बारे में यहां पे बताएं, टाइम स्क्वायर है। चलो ठीक है गाइस, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन एंड एकेडमी के ऊपर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप BHUDAM या BHUDAM यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिलेगा। 40 प्लस एग्जाम के अंदर ऐप डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालें, गोल सेलेक्ट करें, प्लस पे जाएं, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और BHUDAM आप यहां पे लगा सकते हैं। इसके अलावा SSC के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिएगा, मैथ रीजनिंग साइंस और स्टैटिक जीके की शुरुआत है जो कि 5 जनवरी से हो रही है, जहां पे साइंस और मैथ दीपक सर शिप्रा मैम सभी का कोर्स है जो कि 5 तारीख को लॉन्च हो रहा है SSC कैटेगरी के अंदर। ठीक है गाइस, चलो और एक बच्चे की एजुकेशन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके अपने सब्सक्रिप्शन लेकर, एक अपने सब्सक्रिप्शन में आपको उसकी रिपोर्ट कार्ड, अटेंडेंस, आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आपको रिसीट सब कुछ है जो कि आपको अवेलेबल करवाई जाती है। आज का पहला क्वेश्चन है, फोर्थ पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, आंसर लिखा हुआ ही है इस पर, पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट है जो कि पास किया। न्यू मेंबर NDP का कौन सा है अभी, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट 2022। लास्ट है सर, कौन हाइपरसोनिक मिसाइल कौन से देश के द्वारा लॉन्च करी गई।
ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतने, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।